आखिर कहां गायब हो गई प्राधिकरण की 40 फाइल। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण की 40 फाइलें रातों रात गायब हो गई। ऐसा माना जा रहा है कि संपत्ति विभाग में स्थित कर्मचारियों ने इन फाइलों को गायब कर दिया है। बुधवार दोपहर तक सभी फाइलें नहीं मिलती तो सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। बिल्डर ही बन के रह गए गुंडे। ग्रेटर नोएडा के AVG हाइट्स के दो ग्राहकों ने बिल्डर के कर्मियों पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। सूरजपुर पुलिस थाने में इन दो युवकों के कहने पर दो अलग अलग FIR दर्ज कराई गई है। पहले मामले में बिल्डर के खिलाफ शिकायत करने पर खरीदार को धमकी दी गई और वहीं पर दूसरे मामले में बिजली काटने के विरोध में खरीदार को धमकाया गया है। JP ग्रुप ने जमा कराए 300 करोड़ रुपए। आखिरी वक्त पर अपनी इज्जत बचाते हुए JP ग्रुप ने 300 करोड़ देकर आवंटन को रद्द करा दिया है। 1 अगस्त तक बिल्डर को 600 करोड़ रुपए जमा कराने थे, जिसमें से 410 करोड़ रुपए बिल्डर ने जमा करा दिए हैं। अब प्राधिकरण बिल्डर के रीशेड्यूलमेंट के आवेदन पर विचार करेगी। अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के एप्लीकेशन को किया जाए खारिज। राज्य सरकार ने ऑनगोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को रेरा नियमों से दरकिनार कर दिया है और अब इसके चलते घर खरीदार काफ़ी दुखी है। अब घर खरीदारों का मानना है कि नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को उन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के एप्लीकेशन को खारिज कर देना चाहिए जो आधे अधूरे पड़े हुए हैं। नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में करीबन 4 लाख से ज़्यादा घर खरीदार हैं जो अभी तक अपने घरों के पोजीशन का इंतज़ार कर रहे हैं। निवेशकों को लूटा यूनिटेक ने। रेरा कानून को बने 3 महीने हो गए हैं मगर अभी तक घर खरीदारों को कोई राहत नहीं मिली है। नोएडा में स्थित यूनिटेक के कैस्केड प्रोजेक्ट में कुल 8 टावर है। इस प्रोजेक्ट में लोगों से बड़े बड़े वादे किए गए थे कि उन्हें 2012 में घर मिल जाएगा, पर लगभग 5 साल के बाद भी घर खरीदारों के हाथ कुछ नहीं लग पाया है। तंग आकर अब लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।